हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, बहुत तेज चलना, बहुत जल्दी चलना, अपने मंजिल पे जल्दी पहुंचना, ये सब बिल्कुल राइट है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन पीछे आपको नुकसान होता जाए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो उसी पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं अगला एक्सरसाइज आप लोग को बताने वाला था, लेग्स स्क्वाट, सुमो स्क्वाट, कि कैसे किया जाए और कैसे परफेक्ट किया जाए। लेकिन मैं बीच में चलते चलते रुक गया कि नहीं, मुझे कुछ और बताना है। अभी मैं एक जिम में गया था, वहाँ एक लड़का स्क्वाट कर रहा था और उसके नी में दर्द था और वो दर्द में ही स्क्वाट किया जा रहा था। तो ये बिल्कुल गलत है, जब दर्द है तो दर्द में स्क्वाट नहीं करना चाहिए। मैंने उसको रोका कि नहीं, आप रुक जाओ, अब दर्द में स्क्वाट नहीं करो। तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि जो नी है, नी के अंदर लिगामेंट है, नी के अंदर कार्टिलेज है, नी के अंदर मेनिस्कस है, तो वो उसको सेफ रखते हुए आप एक्सरसाइज कैसे करें। तो अगर आप भी अगर स्क्वाट स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्क्वाट से पहले जो है वार्म अप अलग चीज़ है, लेकिन वार्म अप से पहले आपको अपने लोअर थाई, कॉर्डिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, काप्स मसल्स, इसका स्ट्रेंथ को डेवलप करना चाहिए और वो भी विदाउट वेट। पहले आप उसमें ABC टेस्टिंग कर लें कि हम इसको टेस्ट करके देखें कि वाकई मेरा लिगामेंट तो ठीक है ना, मेरा कार्टिलेज तो ठीक है ना, मेरा मेनिस्कस तो ठीक है ना। उसके बाद ही आप वजन उठा करके आप स्क्वाट करें। तो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आपकी नी से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जैसे क्लिकिंग नहीं होना चाहिए, चलते हुए आपको ऐसा ना लगे कि मेरे नी में हल्का सा पेन है। अगर ऐसा है तो आपको स्क्वाट नहीं करना चाहिए। नी एक ऐसा ज्वाइंट है, जिस पर सारा बॉडी का वेट है आपका, तो नी को बहुत केयरफुली लेके चलिए। नी और लोअर बैक को बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है। जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो है बेसिकली नी ज्वाइंट के ऊपर में, कि अगर आप स्क्वाट करने जा रहे हैं, मसल्स गेनिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो आपको दर्द ना हो, आपको कोई इंजरी ना हो, उससे पहले जरूरी है कि जो कॉर्डिसेप्स के मसल्स हैं, हैमस्ट्रिंग के मसल्स हैं, उसको हम सबसे पहले एक्टिवेट कर लें। तो आज का ये इस वीडियो में मैं आपको जो नी को सपोर्ट करता है मसल्स, हम उसको स्टेटिक एक्सरसाइज के द्वारा एक्टिवेट करेंगे। अगर आप 2-3 दिन भी अगर आप ऐसे कर लेंगे और इसके बाद फिर अगर आप स्टार्ट करेंगे स्क्वाट करना, तो आपको नी में दर्द नहीं आएगा। जहाँ तक होगा आप बचेंगे उस इंजर्ड से, जो आप दर्द में जा करके कर रहे हैं, आपकी नी में क्लिकिंग हो रहा है, आपकी नी से आवाज़ आ रहा है और आप नॉन स्टॉप किए जा रहे हैं, आप वजन भी बढ़ाते जा रहे हैं 5-5% करके, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप इस वीडियो में बने रहें, मैं आप लोग को कुछ डायनामिक और कुछ स्टेटिक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे कि आप उस इंजरी को क्योर करेंगे। तो मैं आप लोगों को जो मसल्स एक्टिवेशन के लिए, आपके थाई मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए दो तरह के एक्सरसाइज बताऊंगा। पहला होगा डायनामिक और दूसरा होगा स्टैटिक। स्टैटिक पे आपको 10-10 सेकंड करके होल्ड करना होगा और डायनामिक में सिर्फ आपको स्विंग करना होगा। लेकिन अगर आप थाई मसल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं और आप स्क्वाट का तैयारी कर रहे हैं कि आपको स्क्वाट एक्सरसाइज करना है, तो उससे पहले आपको काप्स मसल्स भी एक्टिवेट करना होगा, क्योंकि कितने बार ऐसा होता है कि लोग स्क्वाट करते करते उनके काप्स मसल्स भी इंजर्ड होने का चांसेस होता है, क्योंकि जब वो पूरा स्क्वाट करते हैं तो नॉर्मली स्क्वाट में 95% ही बैठना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं उसमें 100% बैठते हैं, तो 100% बैठने में उनके काप्स मसल्स भी इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय में आप सबसे पहले अपने काप्स मसल्स को एक्टिवेट करें और उसके बाद फिर कॉर्डिसेप्स मसल्स को एक्टिवेट करें। अगर कॉर्डिसेप्स मसल्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे तो आपका नी ज्वाइंट पे डायरेक्ट वेट नहीं आएगा, जो आप एक्स्ट्रा वेट भी लिए हैं वो भी नी ज्वाइंट पे नहीं आएगा और इंजर्ड होने से आप बचेंगे बहुत हद तक। जैसे कि आप सबसे पहले स्टैंडिंग पोस्चर में इस तरह से खड़े हो जाएंगे, आप देख रहे हैं जैसे अभी ये खड़े हैं, इस तरह से आप खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल अपने स्पाइन को सीधा रखेंगे, चिन को सामने, चेस्ट बाहर होगा, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा रहेगा। आप इस तरह से खड़े होंगे और जो आपका स्टांस होगा वो होगा फीट साइज, अपने फीट से नाप करके ऐसे, और आपका जो टो होगा ये आउटसाइड में रहेगा। इसको करने के बाद आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे काफ राइजेस करना। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने हील को उठाएंगे ऊपर और इसमें ध्यान ये रखें कि आपका घुटना बिल्कुल सीधा हो, नीचे जाइए, फिर ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे धीरे से, ऊपर जाएंगे तेजी में और नीचे आएंगे धीरे से, और कहीं भी जर्क नहीं देंगे, ठीक है। इस तरह से आप करके दिखाएं एक बार और, धीरे नीचे आए,
आप देखिए जिस तरह से ये कर रहे हैं अभी इस समय में, बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये काफ राइजेज आप करेंगे कम से कम 20 टाइम, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ। इस समय में आपके हिप्स मसल्स, काफ्स मसल्स, ये सारे मसल्स ना बिल्कुल इंगेज रहेंगे, बिल्कुल टाइट रहेंगे, आपके कॉर्डिसेप्स मसल्स भी। चलिए फिर आप करके दिखाइए, 1, 2, 3 घुटना बिल्कुल टाइट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये है काफ राइजेस एक्सरसाइज। फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने देखा मैंने इनसे करवाया है काफ राइजेस। काफ राइजेस में आप क्या करेंगे, आपका घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा और आपके हिप्स मसल बिल्कुल इंगेज रहेंगे। जैसे आप ऊपर की ओर जाते हैं तो अपने हिप्स मसल को बिल्कुल इंगेज कर लें, मतलब बिल्कुल टाइट कर लें और काफ्स मसल पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करें, और नीचे जाए तो रिलैक्स करते हुए। जब ऊपर आए इनहेल, नीचे जाए एक्सहेल, ऐसे करते हुए आप इसके कम से कम 2 सेट करें, 30-30 के या 20-20 के 3 सेट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके काफ्स मसल्स को एक्टिवेट कर देगा। बिफोर जब आप स्क्वाट करने जा रहे हैं, आपको वेट ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, अपने घुटने पे लोड डालने जा रहे हैं, अपने लोअर बैक पे लोड डालने जा रहे हैं, तो उससे पहले सबसे फर्स्ट जरूरी है कि आपका काफ्स मसल्स एक्टिवेट। अगला एक्सरसाइज जो है हमारा, अगला एक्सरसाइज है आप नी के लिए। नी के लिए जो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे कॉर्डिसेप्स मसल्स का, कि दूसरा जो वजन है वो आपके थाई मसल्स पर आए, ना कि आपके घुटने की ज्वाइंट पर। तो उसके लिए अब मैं आपको करवाऊंगा लेग्स एक्सटेंशन, लेकिन ये स्टैटिक में करेंगे। पहले आप अगर कुछ नहीं किए हैं वॉक वगैरह तो आप डायनामिक से स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ये अभी बैठे हुए हैं, हमने क्या किया है कि अपने सोफे के 2 गद्दे इनके नीचे लगा दिया है, कि जिससे कि इनका पैर जमीन से थोड़ा ऊपर हो जाए। इसमें क्या है कि अगर आपने वॉक नहीं किया है या फिर आपका कोई एक्स्ट्रा वार्म अप नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप वॉक करने के बाद आप सीधा मेन एक्सरसाइज में जा सकते हैं। तो जैसे ये बैठ गए हैं, अपने स्पाइन को पूरा सीधा करेंगे, चेस्ट को बाहर, चिन थोड़ा सा ऊपर, और उसके बाद अपने पैर को, एक पैर को ऊपर लाएंगे, टो को फेस की तरफ खींचेंगे इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आप इसको थोड़ा स्पीड में भी कर सकते हैं, स्विंग की तरह, एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, बीच में क्रॉस करेगा दोनों, हाँ इस तरह से। आप इस तरह से करके अपने कॉर्डिसेप्स मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ जिमों में मशीन होता है, काफ़ी बढ़िया मशीन होता है वो लेग्स एक्सटेंशन के लिए, जिससे कि आपका कॉर्डिसेप्स काफ़ी मजबूत और स्ट्रेंथनिंग बनता है। तो इसको आप विदाउट वेट करेंगे, ठीक है, इससे आप वार्म अप कर लेंगे। अगर आपने वॉक पहले कर रखा है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अब हम लोग करने जा रहे हैं लेग्स एक्टिवेशन का मेन एक्सरसाइज, जिसको करने के बाद आपका नी के ऊपर का जो मसल्स है, लोअर लेग्स मसल्स, वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले एक टॉवल लें, उसको बीच से मोड़ लें, एक बार और मोड़ लें, और उसके बाद जैसे इनके हाथ में है ऐसे ही रहेगा, और इसको ऐसे ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। थोड़ा टाइटली फोल्ड कीजिएगा इसको। जब इसको फोल्ड करने के बाद आप इसको नी के नीचे लगा लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो एक पैर से कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो दोनों पैर के नीचे इकट्ठा लगा सकते हैं। दोनों लेग्स को एक्स्ट्रा क्लोज कर लिया, हाँ। ये लगने के बाद इससे भी क्या हुआ, थोड़ा सा आपका, आपको एक डिस्टेंस मिल गया। अब आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट लेग को उठाना है बिल्कुल स्ट्रेट, आपका बॉडी का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो को खींच के रखेंगे और होल्ड करेंगे 10 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से, बहुत धीरे ले जाएंगे वापस। चलिए फिर से करेंगे, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने पेल्विक को रखेंगे, एक्टिव करके रखेंगे अपने पेल्विक मसल्स को, और अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
टेन फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। ठीक है गाइस, बेसिकली ये इन्होंने सोफा पे बैठ के किया, आप चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। इनकेस आपके पास में सोफा और चेयर दोनों में से कोई भी चीज नहीं है और आप इसको इस एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो आप इसको फ्लोर पे भी कर सकते हैं। ऐसे सही मायने में अगर आप इन दोनों में से अगर कोई अगर आपको सूट नहीं करता तो आप सही मायने में आप उसको फ्लोर पे बैठ के करेंगे तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसमें क्या होगा कि आपका मूवमेंट हुआ कम, आप स्टेटिक एक्सरसाइज से अब अपने थाई के सारे मांसपेशी को एक्टिवेट कर लिए प्रेजेंट ऑफ टाइम 10-10 सेकंड रोक रोक करके। तो चलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जमीन पर अगर इस सेम एक्सरसाइज को करेंगे तो किस तरह से करेंगे और कैसे उसको परफेक्ट करेंगे। गाइड जो परफेक्ट एक्सरसाइज होगा वो आप जमीन पे बैठ के भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये जो आप इस तरह से बैठ जाएंगे, बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका पेल्विक एक्टिव रहे, आपका स्पाइन बिल्कुल सीधा और आप अपने दोनों पैर को स्ट्रेट रख लेंगे। अब आप सबसे पहला क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आप करेंगे अब अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, अपने दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, अपने बैक ऑफ नी पे आप लगा लेंगे या अपने हैमस्ट्रिंग के पास पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद आप अपने पैर को धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे जैसे हमने अभी वहां किया था और धीरे से जमीन पर टू थ्री फोर, बस ध्यान ये रखना कि इसमें जर्क नहीं देना है आपको, फोर फाइव सिक्स। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे थाई को भी करेंगे, इस पैर को सीधा कर लेंगे और हाँ जो पैर आपका सीधा रहे वो बिल्कुल भी ढीला नहीं रहेगा, उस पैर को भी आप इंगेज करके रखेंगे, अपने थाई मसल्स को काप्स मसल्स को जो पैर जमीन पर रहेगा उस पैर को भी आप बिल्कुल इंगेज करके रखेंगे। दूसरे पैर को भी आप थोड़ा सा मोड़ लेंगे, मोड़ने के बाद आप दोनों हाथ को इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करके हैमस्ट्रिंग या बैक ऑफ नी के नीचे आप लगा लेंगे और उसको थोड़ा सा पकड़ के खींच करके रखेंगे अपने तरफ। अब आप धीरे से उस पैर को उठाएंगे, पैर का टॉप फेस के तरफ, वेरी गुड, और धीरे से नीचे टू थ्री फोर फाइव सिक्स। जब आप ये कर लें तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको टॉवल ले लेना, वही टॉवल जो अभी हमने रोल करके यूज किया था। तो गाइस अभी जब आप टॉवल लगा लें अपने नी के नीचे तो आपको क्या करना है, आपको अपने टो को अपने हील को जमीन से 1 इंच ऊपर उठाना है और उठाने के बाद आपको टो को फेस की तरफ खींचना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, धीरे से जमीन पे रखेंगे टू, थोड़ा अगर कोशिश करके थोड़ा और ऊपर उठाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, करेंगे थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। बस इसके आपको 10-10 सेकंड होल्ड करके पहला दिन आप सिर्फ 10 बार ही करेंगे। फ्रेंड्स ये जितने भी एक्सरसाइज मैंने करवाए हैं आपको ये पार्ट ऑफ लेग्स एक्सटेंशन है और काफ राइजेस मैंने आपसे आपको करवाया, इसमें क्या चीज़ अलग है, अलग ये है कि इसमें हम कोई वजन का यूज नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि हम उसको रोक करके अपने बॉडी से ही अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, कोई इक्विपमेंट्स हमने नहीं लिया है। स्टेटिक में क्या होता है, जब आप जितने देर तक मसल्स को आप टाइट करके रहते हैं, जितने देर तक मसल्स इंगेज होता है तो जो मसल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहा वो मसल्स भी एक्टिव होने लगते हैं। तो ये स्टैटिक एक्सरसाइज करके आप अपने थाई को और आप अपने काप्स मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसको जो वो फ्लोर पर अभी मैंने बैठ करके जो किया जिसमें उन्होंने अपने हाथ को इंटरलॉक करके किया था, उसमें क्या है आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स भी थोड़े खुल जाते हैं, जिसके कारण जब आप वजन उठाएंगे और आप स्क्वाट करेंगे उस समय में आपको कोई परेशानी नहीं होगा, आपका घुटना पे वेट डायरेक्ट नहीं आएगा, आपके काप्स मसल्स में कोई मसल्स पुल नहीं होगा, स्पैज़म नहीं होगा और आप धीरे धीरे फील करेंगे कि आपने ये जो 2-3 दिन का कोर्स किया, जिस कोर्स में आपने ये सारे स्टैटिक और कुछ डायनामिक एक्सरसाइज इंक्लूड करके किया, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और इसका बेनिफिट आपको
गेनिंग एक्सरसाइज में भी मिलेगा। जब आपके मसल्स का एक्टिवेट रहेगा तो जो वजन उठाएंगे उसका रिजल्ट आपको तुरंत तुरंत दिखता जाएगा कि नहीं, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसमें पॉजिटिव रिजल्ट है। तो गाइज उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो आप लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो, और कमेंट्स करके बताएं अगर आपका फिटनेस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।